तो क्या हाल चाल सुलडुआ स्क्वाड कॉन्करर रैंक पोस्ट पब्लिक। तो गाइस दो मैच में धल्ला आ चुका था, मतलब सर्वर हैक। और गाइस इस वीडियो में बहुत कुछ आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में भाई आपको मैं बताने वाला हूँ बेस्ट लोकेशन ऑफ रैंक पोस्ट, बेस्ट मतलब बेस्ट सब कुछ मैं आपको बेस्ट बेस्ट बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको कहाँ पे गाड़ी मिलेगी, कहाँ आपको सर्वाइव करना चाहिए, कौन से एंगल पे बंदा रहेगा, क्या एकदम पूरा डिटेल में वीडियो लेके आ चुका हूँ आज मैं। ठीक है, रेगुलर तो नॉर्मल वीडियो रहता था, मैंने कुछ डिटेल में जैसे ये मैप आप चेकआउट कर लो, मैंने सारा कुछ दे दिया है कि कहाँ पे गाड़ी है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। ठीक है तो गैस ये वीडियो होने वाले पूरा 9 मिनट के और 9 मिनट 5 सेकंड के, तो आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो गैस आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि कॉन्कर रैंक पोस्ट करना आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो हम उतरे थे गैरेज पे क्योंकि हमको जाना था दूर वाले इवेंट पे, और मैं और खेला था और मारियो भाई खेले थे। ठीक है तो भाई यहाँ से हम गाड़ी निकालते हैं, सबसे पहले कुप और मेरा ग्रेनेड मेरा मिस होता है ना भाई, आप बोलोगे ये ग्रेनेड लग जाता था भाई, आपने क्या ग्रेनेड मारा यार, आपको मजा आ जाता। ठीक है तो नॉर्मल बंदे का सब बंदे का डाउट होता है कि भाई हमको पहले दूर वाला इवेंट पकड़ना चाहिए क्लोज वाला। देखो सामने एक बंदा आता है, इस बंदे के साथ हमारे बहुत पकड़ पकड़ा स्टार्ट होता है। मैंने ग्रेनेड घींच रखा था, देखो इसके मुंह पे कैसे फोड़ता हूं। फोड़ लेना, फोड़ जा। अरे सेट भाई हुकर का साहब मिस। तो यहां मेरे टीममेट का कुछ अलग ही रिएक्शन रहता है, मैंने बोला ठीक है यार, यहां से हम लोग दोनों का पकड़ पकड़ा स्टार्ट होता है। ये देखो वो ना मेरे को पकड़ पा रहा है ना मैं उसको पकड़ पाऊंगा, देखते पहले कौन इवेंट पर। हमसे बच नहीं सकता, पकड़ा जाएगा, फिर भी भगाया जा रहा है मादरचोद, भगाया ही जा रहा है। मस्ती देखो बहनचोद, वो पकड़ मारो चोद, पकड़ वो। और यहाँ मेरा टीममेट कर देता है, ठोक देता है गाड़ी। हमने बोला कोई बात नहीं, चलता इतना उतना होते रहता है। ठीक है तो गाइस आज की वीडियो में यही है कि मेन मेन है कैसे पूरे दो मैच है, दोनों मैच एरेंगल का है। ठीक है आज लिबिक का मैच नहीं है यार, लिबिक वाले भाई सॉरी यार, आज के मैं लिबिक का मैच नहीं ले पाया। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सामने एक बंदा होता है और इतना बड़ा कैंपर होता है, मेरे को पता ही नहीं होता यार कितना बड़ा कैंपर हो सकता है। ठीक है रैंक पुश में नॉर्मल बात है, आप ये चेकआउट करो। ठीक है यहाँ पे हम उतर रहा था, यहाँ पे दो तीन स्किन शॉट है, पहले आप ये चेकआउट करो। तो गैस जैसे मैंने ये दो चीज शेयर किया, देखो आपको ये जितना मैंने मार्क कर रखा है ना उस पर आपको नहीं जाना है। 90% बंदे को जिसका फोन लैग करता है वो पर्सन पे नहीं जाना है, वो साइड पर्सन पे रहना है। ठीक है ये मैंने दोनों किया है ना ये, अब देखो अब जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया वहाँ वहाँ नहीं रहना, जिधर मैंने मार्क नहीं कर रखा है उधर उधर आपको सर्वाइव करना है। आप लोग समझ जाओ कहाँ कहाँ आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे मेरा टीममेट मर चुका था, ठीक है आपको ये मैं अपने मतलब समझ सकते हो, आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग ले सकते हो। मैं कहाँ पे बताऊँ, मैं जहाँ पे फोटो वोटो पोस्ट करते हैं ना कम्युनिटी पोस्ट में, मैं वहाँ पे ये दोनों मैप का मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो, आप लोग डिटेल से देखना। ठीक है तो अब मैं जा रहा था, आप लोग को मैंने वहाँ मार्क किया तो वहाँ पे नहीं जाना था, और मेरे को जाना ही था इसी वाले मतलब 70 में लैंडिंग यहाँ पे। मेरे को मतलब समझ सकते हो सब बंदे का होता है अलग अलग चॉइस की भाई मैं यहाँ से खेलूंगा, मैं थोड़ा अच्छा खेलता हूँ तो रस करके खेलता हूँ, तो थोड़ा अच्छे 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 लोकेशन पे मैं लूट वूट करके खेलूंगा। ठीक है ये बहुत बंदे का डाउट रहता है, बहुत बंदे का फोन लैग करता है तो भाई बोलता है नहीं, जैसे मेरा फोन लैग कर रहा है आप चेकआउट कर सकते हो। इतना ज्यादा फोन लैग हो रहा था कि कुछ कहने का नहीं, तब पर भी मैंने आपके भाई ने केस कर रहा है, आपको रिकॉर्डिंग निकाला था जब तक एक और बोट आता है। देखो फिर इतना ज्यादा लैग में भी ना आपका भाई कर रहा था किल वगैरह कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था। और भाई थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है तो मेरे को पता है यार, थोड़ा इग्नोर मारना प्लीज़, क्योंकि मेरे घर के बगल में नवरात्रि होता है, तो वही नवरात्रि का जो मंत्र वंत्र होता है वही हो रहा है। मैं काफ़ी वोट मार के, मेरा 3 वोट मार के मेरा अच्छा खासा किल हो जाता है, 3 किल हो जाता है। अब देखो इस मैच में तो कुछ होता चाहिए नहीं है, अब मैं आ जाता हूँ डबल मतलब रस करने के लिए। ठीक है तो देखो मैं कितना गंदा रस करता हूँ, आपको क्या मैं डायरेक्ट घुस रहा हूँ कभी नहीं रैंक पुश में, आपको यहाँ पे लग रहे होंगे बंदे नहीं है, तब पर ही बंदे होते हैं, इतना गंदा बंदे कैंपिंग करके बैठे होते हैं ना यार, कुछ कहने का कैंपिंग होता है रैंक पुश में भाई, आप किसी भी घर पे मतलब भरोसा नहीं कर सकते कि इस घर पे बंदा होगा या नहीं होगा, नो फुट्स बंदे बैठे रहेंगे। ठीक है अब जैसे इस वाले हाउस पे था, मेरा टीममेट का रिएक्शन सुनना क्या था। ठीक है मैं जैसे ग्रेनेड घिंचता हूँ ना, बस सुनो आप, ए बंदा 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 है भाई, मेरा टीममेट का तो पूरा फट जाता है। ठीक है तो मेरा टीममेट जैसे ग्रेनेड फेंकता है बस उसका आवाज सुनो, फूटा फूटा फूटा, अरे फूटा क्या नहीं, बालकनी बालकनी, अब ये बंदा मेरे को मतलब सामने लग रहा था पैनिक रूम में, और मेरा टीममेट भी बोलता है पैनिक रूम में, मैं सोचा ऊपर ना चला गया हूं, ऊपर चेक कर लेता, वो पैनिक रूम में होता। देखो मैं फिर उसको कैसे लेते भाई, मैं तो एकदम गोल्डन स्लॉट्स वाला मारने का कोशिश करता हूँ, पीछे से मेरे को भरा देता है बहुत ज़्यादा डैमेज, तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले हील किया जाए उसके बाद घुसूंगा, तो मैं पहले मार चुका था उसको। ठीक है तो नॉर्मल यहाँ पे मैं हील वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर लूट वगैरह कर लेते हैं। अब देखो सामने साइड एक बंदा होता है, अब उस पर ध्यान होता है जब तक एक बंदा रस कर देता है। ठीक है अब इस बंदे को कैसे चोको देता हूँ, बस चेकआउट, हम्म,
अब इस बंदे को जैसे मैं लॉक एंड फिनिश करता हूँ, मेरा टीममेट बोलता है कि भाई सामने साइड भी बंदे हैं, देखो फिर पहले हील कर लेता हूँ उसके बाद देखता हूँ क्या बचे हैं। अब मेरा टीममेट का देखो एचपी एकदम जीरो एचपी से भी कम है, समझो एक एचपी है। हाँ। अब एक बंदा कर देता है रस, अब वो बंदा साला निकलता है भगौड़ू। अरे पीछे कोई और है, पीछे कोई और है, ये और है, कवर में आजा, कवर में आजा, चलो कवर दो, कवर दो, तुम कवर दो, तुम कवर दो। भाई मेरा टीममेट बोलता है कवर दे दो, भाई कवर तगड़ा वाला ना। ये बंदे को काफी डैमेज देता हूँ तो ये बंदा सीधे निकल जाता है, मेरे को लगता है रुकता है बंदा, बाकी ये बंदा निकल जाता है पीछे से, मैं जाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ तो बंदा निकल जाता है। ठीक है, तो हम भी निकल जाते हैं सर्कल के साइड में, क्योंकि मेरा टीममेट आगे जा चुका था, इसलिए मैंने भाई बहुत सर्कल बहुत ज्यादा छोड़ा था, हम करते वाले डायरेक्ट रश। ठीक है, अब देखो ये बंदा क्या कर रहा था और मैं क्यों नहीं मारा यार, मेरे को बताना। अब इस बंदे को मेरा टीममेट मारता है, मैंने बोलता आ रहा हूँ मैं डायरेक्ट पूछने के लिए, देखो मेरा फोन कितना ज्यादा लैग हो रहा है। अरे भाई जी अटक गया गेम, अरे यार जल्दी 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 रिलोड आया उसका। तो अब चलते हैं मस्त दूसरी वीडियो के साइड में, दूसरी वीडियो में भी भाई सर्वर हैकर हो चुका था, मतलब सर्वर फ्रीज हो चुका था, पहले मैंने आप लास्ट तक कैसे सर्वाइव किया आप वैसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आपको नो नेटवर्क शो कर रहा होगा, ये आप चेकआउट कर सकते हो मेरे ऊपर में नो नेटवर्क। बाकी ये सर्वर फ्रीज हुआ है, मतलब सर्वर फ्रीज होकर खत्म हुआ था, फिर सर्वर फ्रीज ही कर लगा, उनको लग रहा था कर देगा ये दल्ला। अब ये सामने बंदे होते हैं, दो बंदे देखो, उन लोगों को कैसे लेता हूँ, पहले चोको देता हूँ। चला जा, एक और है। भाई कैसे सिक्कू मार, हमको नहीं बंदे को मार, हमको हाथ लगा, सर्वर फ्रीज किए थे क्या? अब मैं अपने टीममेट को बताता हूँ, मेरा टीममेट क्या बोलता है सुनो। भाई तुम सर्वर फ्रीज किए थे क्या? मेरा टीममेट पूछ रहा है भाई सर्वर हैकर तूने किया, तो फिर हमने टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सर्वाइवर पॉइंट चाहिए था, तो हम लोग को किल एक दो नहीं था, मतलब एक ही किल था, हमने बोला यार सर्वाइवर पॉइंट निकाला जाए, क्योंकि सर्वाइवर पॉइंट निकाला था और हम लोग को लूट भी चाहिए था अच्छी वाली, क्योंकि हमारे पास लूट नहीं थी, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और इसको मतलब मार देते हैं और लूट वगैरह लेके फिर आ जाते हैं हम वहीं पे सेम लोकेशन पे। मेरा टीममेट लॉक एंड फिनिश हो जाता है, मेरे ऊपर होता है बंदा, देखो फिर इसको कैसे देता हूँ। कितने मिनट बचेगा अभी तो शायद? अब इस बंदे को मारने के बाद आप चेकआउट कर सकते हो कि मेरा अभी रिकॉल अभी भी बचा हुआ, 14 बंदे बचे हुए, 14 बंदे बचे हुए और रिकॉल मेरा बचा हुआ था। इस बंदे को मैं फायर से मारता हूँ, क्योंकि मेरा टीममेट को मारा था। ठीक है, अब मेरा टीममेट बोलता है कि जा रिकॉल कर, मेरे पास हॉर्स वगैरह नहीं है तो जाना, मेरे बोला अरे नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है, तब पर भी आपको मैं मैप चेकआउट करा सकता हूँ, देखो मैप कितना छोटा है, मैं रिकॉल करने जा रहा हूँ। सर्वर हैकर में यही होता है सर्वर फ्रीज होने में, आपको प्लेन पे भी चिकन मिल सकता है। मैं अपने टीममेट को रिकॉल करता हूँ लास्ट का सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरा 2 मिनट 25 सेकंड में रिकॉल बचा हुआ था, मैं इधर जोन में मरता ना तो मैं रिकॉल हो सकता था। ठीक है, मेरा सिचुएशन कुछ ऐसा था, तो मैं आ जाता हूँ ऊपर वाली इस वाली लोकेशन पे और राइट साइड लेफ्ट साइड चारों तरफ से बंदे, मतलब ओपन में लेफ्ट साइड में आपको उधर खेत की तरफ भी दिखेंगे और इधर भी दिखेंगे, इधर भी पूरा, इस बंदे को लॉक देता हूँ मैं, सोचता हूँ डायरेक्ट फिनिश किया जाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ दो टीम की फाइट होती है, थर्ड पार्टी मैं करके रहा था जब से। ठीक है, और एक और बंदा वहाँ पे आता है भाई, अब देखो ये बंदा लेफ्ट साइड में जो खेत में था ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा। और ये बंदा तितली मन के वो सर्कल में जाके बैठ जाता, मैं यहाँ पे बैठा हुआ वो वहाँ पे बैठा हुआ, जब तक मेरा आ जाता है। तुम इतना कब से होल्ड करने लगे? मैंने कट कर रहा था, कॉल आ रहा था, कट कर रहा था, कॉल आ रहा था, कट कर रहा था, बार बार ये कर रहा था। अब मैंने सोचा क्या जरूरी हो गया कि कॉल कर रहा है, तो मैंने सोचा कॉल उठा लिया जाए, और कॉल उठाते के साथ मेरे साथ क्या होता है आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये मेरा दोस्त ही कॉल कर रहा था और मेरे को यहाँ पे पड़ जाता है AWM का पर्दा, नहीं हेडशॉट, मैं बोलता हूँ आ रहा हूँ ना तू गेम खेल के, वो बोलने उसको बोला तू ऑनलाइन है, बाकी मेरे को दिखा नहीं रहा था। गाइस कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय।